नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सफाई कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं दिया गया और इनकी जगह नए कर्मचारियों को रखकर हो रही भर्ती को रोकने के संबंध में पीड़ित मिले जिलाधिकारी। नगर पालिका परिषद नवाबगंज जिला बरेली के 65-70 सफाई कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही 01 स्थित बर 2019 से सफाई का कार्य करने से वंचित कर बैठा दिया गया है। इतना ही नहीं, इन सफाई कर्मचारियों की जगह अन्य नए कर्मचारियों की भर्ती कल दिनांक 17 सितंबर को की जा रही। इस भर्ती को रोककर पीड़ित कर्मचारियों को ही लिया जाए। महोदय, उक्त विषय का संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित सफाई कर्मचारियों को वेतन दिलाने का आदेश करते हुए ये भी आदेश करें कि इन्हीं कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाए जिनको 8 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे इनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। इनके परिवारों में कई बच्चे पैसे के अभाव में बिना इलाज ही दम तोड़ चुके हैं, कई लोग मरणासन्न अवस्था में हैं। साथ ही इन परिवारों के बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठा लिए गए हैं, जिसको लेकर सफाई कामगारों के पीड़ित परिवारों के साथ न्याय कमल किशोर इंजीनियर, पूर्व सांसद प्रत्याशी बरेली 2014, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड ने ज्ञापन दिया। अच्छा, कौन अधिकारी था आपका? शर्मा जी, आपको तनख्वाह कभी नहीं, कितने दिन से नहीं मिली है? 8 महीने से सर। 8 महीने से घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अरे जी, उधर का चल रहा है, कबाड़ा बीन बच्चों को ऐसे पालना, छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब सफाई के काम के बाद ये कबाड़ा बीनने के लिए निकलते हैं, क्योंकि आजकल घर पर लोगों ने काम देना तो बंद ही कर दिया, घरों में काम होना बंद हो गया। जो दाईगिरी का काम भी वाल्मीकि समाज के लोग करते थे, वो भी दाईगिरी का काम लगभग खत्म हो चुका है। इनके हर तरीके से आय के साधन खत्म हो चुके हैं, और सब खत्म होने के बाद लोग सफाई के काम में आए, और सफाई के काम में आने के बाद भी इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इनको वेतन समय पे नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी इस देश की डीएम साहब के साथ बात भी गए थे, ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पर, और मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, अदर जातियों के भी लोग हैं जो सफाई के और अन्य काम में लगे हुए लोग हैं, इनको समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये तमाम मानवाधिकार आयोग के उसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं आप लोगों की कंप्लेंट शासन प्रशासन से तो करूंगा ही, साथ में हाईकोर्ट में भी आपका ये मैटर को लेकर जाऊंगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आपकी समस्याओं से अवगत कराऊंगा। हम बस यही चाह रहे हैं, इतना ही काम हो जाए हमारा, बस हमें अधिकार हमारा मिल जाएगा। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सही सब जो ही काम हो जाए, तनख्वाह मिल जाए और काम मिल जाए, और आपको परमानेंट नौकरियां दे दी जाए। साहब इतना हमारा हो जाएगा तो हमारे बाल बच्चे अच्छे खासे पल पड़ेंगे। ठीक है आप लोग। सर हमारे घर में कोई और भी नौकरी जाती है? सर बहुत ही ज्यादा परेशान है सर। क्या नाम है आपका? जी धर्मपाल, मेरा लड़का कर रहा है सर, और मेरी पत्नी सर ठेके में। आप भी काम कर रहे हो? जी मैं नहीं कर रहा, मैं सर मजदूरी कर रहा हूँ सर। आप मजदूरी कर रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिला? कुछ नहीं, सफाई का काम भी नहीं मिला। इनकी अगर आंखों में झांक करके देखिए, कितना बड़ा दर्द दिखाई दे रहा होगा, इनके आंखों में आंसू ही लगभग आने को रह गए। ऐसे हालात में ऐसे सीधे लोग, शरीफ लोगों के साथ में, सफाई कामगार लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। ये सरकारों की साजिश है या कोई और बात है? क्या ये सरकारें पुनः भाई गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाने का प्रयास तो नहीं कर रही हैं? आखिर क्या मंशा है सरकारों की जो इनका काम रोक करके, इनका दाम रोका जा रहा है, इनको कामों से रोका जा रहा है, इनके तनख्वाह नहीं दी जा रही, इनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रही है? इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं नीयत खराब है। मैं आप सब लोगों से विश्वास दिलाता हूँ, आपकी बात महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जरूर भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने ये अपनी समस्या मिशन आशा गठबंधन के राष्ट्रीय महासचिव कमल किशोर इंजीनियर को बनाई है। इनके लड़के का पैर टूट गया है सफाई का काम करते समय, और उसको इलाज का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक महिला और यहाँ पर थी, बैसाखी चल रही थी, वो भी सफाई के दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ की नगर पालिका परिषद प्रशासन ने कोई आर्थिक सहयोग उस बूढ़ी उस लेडीज को नहीं दिया, और उसने अपना पूरा इलाज कराया, और इलाज कराने के बाद भी उसको उनको ना तो वेतन दिया गया, ना पुनः उनको काम पे लिया गया। ये सरासर ये सफाई कामगार मजदूर मजबूर लोगों के साथ शोषण हो रहा है सरकार की तरफ से। धन्यवाद साथियों। हो गया, चलो। मैं कमल किशोर इंजीनियर, मिशन आशा गठबंधन का राष्ट्रीय महासचिव, आज नगर पालिका परिषद नवाबगंज के बीच में आया हूँ।
यहाँ कर्मचारियों की समस्या है कि इनको 8-9 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, सफाई का काम लिया गया है और ये लोग बता रहे हैं पहले भी 9 महीने की तनख्वाह यहाँ के शासन प्रशासन ने इनकी लैप्स कर दी और फिर वही शायद साजिश इस बार भी हो रही है। काफ़ी गरीब लोग हैं, सफाई का काम करते हैं, इधर देखिए मैं काफ़ी लोग इधर दिखाई दे रहे हैं, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब कितने दिनों से आपको ये तनख्वाह नहीं मिल रही है? 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। किस काम पे लगे हुए हो? लाइनमैन पद पे हैं। लाइनमैन। आप क्या नाम है? कहाँ काम करते हो? लाइनमैन। लाइनमैन किस डिपार्टमेंट में? नगर पालिका परिषद नवाबगंज। नवाबगंज। आप क्या काम करते हो? हम के चपरासी हैं साहब। अच्छा, सफाई कामगार कौन है? आप सफाई करते हैं? सफाई कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है। कब से तनख्वाह नहीं मिली? 8 महीने से अब भी नहीं मिली और 6 महीने से पिछली भी नहीं मिली। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग यही कह देते हैं कि तुम्हारा जे नहीं है कि वो नहीं है और तुम जाओ, और पहले से आप काम कराते रहे, हम काम करते रहे, आप बता रहे हैं कि तनख्वाह भी नहीं है, काम भी नहीं है, आप जाइए घर बैठे। देखिए कितने मजदूर असहाय लोग हैं, इनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। बच्चे साहब जी, आप बताइए क्या काम करते हो आप? हम लोग झाड़ू लगाते हैं। कहाँ पे? अरे रात दिन झाड़ू लगाई हड़ताल में। नगर पालिका परिषद नवाबगंज में काम करते हो? कब से तनख्वाह नहीं मिली आपको? हमें 8 महीना से तनख्वाह मिली, पहले की तो हमारी 8 महीना की गई है। क्या नाम है आपका? शीला देवी। आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। कब से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? हमें 8 महीने हो गए। क्या काम करते हो? झाड़ू सफाई। क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग यही कहते हैं काम कर लेते हैं, बाद में पैसे नहीं देते, कहते कुछ नहीं तुम्हारा मिलेगा। क्यों ऐसा कहते हैं ये लोग? यही लोग कहते हैं तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीता। सीता जी, कब से आप सफाई का काम कर रहे हो? हमें लोगों को बहुत साल हो गई सफाई करते हुए। 7 साल से काम कर रहे हो, अभी तक आपको परमानेंट नहीं किया गया, ठेके पे भी नहीं लिया गया, संविदा पे भी आपको नहीं लिया गया। और आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? इस समय हमें 4,000 रुपए मिलती थी। 4,000 रुपए मिलती थी। अब कब से तनख्वाह नहीं मिली आपको? हमें 8 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च बहुत बुरी हालतों से चल रहा है। उधार ले लेकर वो कर्जिया। देखिए ये सारे लोग सफाई कर्मचारी लोग हैं और ये सफाई कर्मचारी छोटी सी तनख्वाह मिलती है इन लोगों को, और इस छोटी सी तनख्वाह में ना तो ये अपना घर परिवार पाल पा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा पा रहे हैं। ये मानवाधिकारों का हनन है, शिक्षा का जो राइट टू अधिकार दिया गया उससे भी इनके बच्चे वंचित हैं। सरकार क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दे रही है, या शासन प्रशासन सब लोग होने के बावजूद भी इनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जिला बरेली में आता है, नवाबगंज नगर पालिका परिषद के टाउन एरिया है ये नगर पालिका परिषद, इसके ये कर्मचारी हैं और ये काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। कब से आप काम कर रहे हो? तनख्वाह कब से तनख्वाह नहीं मिली? 7 साल हो गई, 8वीं लग गई। 8वीं लगी। कब से तनख्वाह नहीं दी है इस समय आप लोग? 8वां महीना है सर। कैसे घर का खर्चा चलता है? ऐसे चल रहा, मर रहे हैं बच्चे। कभी आपने विरोध नहीं किया? कभी बच्चे भी मर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा सर। कोई नहीं आते तो कह देते हैं फर्जी लोग, फर्जी लोग हैं सर। हां, कोई नहीं की 16 साल। आपकी बेटी मर गई इलाज के बिना? कितनी बड़ी थी? पैसे नहीं मिला सर। इतनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी, 15-16 साल की बच्ची थी इनकी। इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया क्योंकि पैसा ही नहीं था। सफाई कर्मचारी हैं, बहुत मजबूर लोग होते हैं ये सफाई कर्मचारी। अब जो लोग भगा रहे हैं हमारे लिए, अब हम दफ्तर जाते हैं, कहते हैं सबके कागज जमा कर लिए जो बामन रहे काम नौकरी आ रही है, और हमें भगा रहे हैं कि तुमने ठेका काम करो। कुछ लोग इसमें 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और उसके बावजूद इनको ना तो परमानेंट किया गया और आज इनको भगाया जा रहा है कि इनको काम भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ये कह करके कि अब इनको काम नहीं दिया जाना है। बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएं और किससे अपनी समस्या कहें? डीएम से भी कह चुके हैं, डीएम भी आश्वासन दे चुका है कि ऐसा करेंगे। यहाँ की जो चेयरमैन है उनसे भी ये लोग जा चुके हैं, चेयरमैन बोल रहे हैं कि चेयरमैन ने बिल बनाया था, बिल पास किया गया था, मगर उनकी चेयरमैन की पावर सीज कर दी गई है, जिसकी वजह से वो भी आज असमर्थ है, इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब नरेश कुमार है। आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं भैया? 2014 से सर कर रहे हैं हम। अच्छा, 2014 से आपको सैलरी किस हिसाब से मिलती थी? साहब हमें कुछ समय तो 3600 रुपए दिए जाते थे जी, उसके बाद में 2 महीने 4000 रुपए दिए। तो सैलरी आपको बिल से दी जाती थी या आपके खाते में अकाउंट में आती थी? ना तो सर बिल से आती थी ना अकाउंट में आती थी। सैलरी तो बहुत चोरों की तरह बांटते थे, कहीं कहीं मार दिया, कहीं कहीं मार दी, मतलब खजाने से देते थे आपको जी? हाँ, कैश बाय हैंड देते थे और सैलरी भी समय पे नहीं मिलती थी।
तनख्वाह देते थे मगर चोरों की तरह कहीं ना कहीं बुला करके जो अधिकारी होता था नगर परिषद का, वो अधिकारी इनको कहीं ना कहीं दूसरी स्थानों में बुलाता था, वहां पे तनख्वाह देता था, कभी डिपार्टमेंट में बुला करके तनख्वाह नहीं दी गई। ये इनके साथ शोषण किस वजह से हुआ, आज तक इनकी जो तनख्वाह इन लोगों को दी गई उसका मद इन लोगों को नहीं पता, यहाँ के लोगों को इनका मद नहीं पता। इस पे कई बार जांचें भी हुई, वार्ता भी हुई, अखबारों में भी आई, घटनाएं घटी, मगर उसके बावजूद भी इन लोगों को तनख्वाह एक मुश्त कभी नहीं दी गई। चार चार छः छः महीने हमेशा लटका करके ये तनख्वाहें दी गई। जैसे कि आपने ठीक है भैया। हाँ शर्मा जी।